सत श्री अकाल, तुसीं पी एन सी एन देख रहे हो खबरों के अज इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। इस समय थोड़ा असं कैनेडा भर तो कई खबरें दसांगे। ब्रैम्पटन तो एक वीडियो वायरल हो रही है जिस दे विच एक नौजवान ते एक पंजाबी लड़की जिन्हां दी कुटमार कई व्यक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस दे बारे ब्रैम्पटन तो ही पुलिस ने अगे जानकारी दी है कि उन्होंने एक 24 साल के सुखजीत सिंह नामक नौजवान फिलहाल गिरफ्तार किया है, जिस दे बारे पुलिस ने कहा कि होरंटेरियो स्ट्रीट ते वेलनेस ड्राइव के उत्ते ब्रैम्पटन दे विच इह कुटमार का मामला सामने आया, जिस तों बाद 24 साल के सुखजीत सिंह नामक ब्रैम्पटन के रहने वाले नौजवान गिरफ़्तार किया गया है। ऐतवार 29 अक्तूबर में सवेरे 12:29 का समा सी जदों पुलिस को कई शिकायतें मिली कि होरंटेरियो स्ट्रीट ते वेलनेस ड्राइव के उत्ते ब्रैम्पटन में कई लोग लड़ रहे हैं। जदों पुलिस वाले मौके के उत्ते पहुंचे तो उत्थे एक 20 साल की लड़की ते एक 22 साल का नौजवान जख्मी हालत में सन, जिन्हां नूं हस्पताल लिजाया गया, जिन्हां दी हालत ठीक है। हुण पुलिस ने कुछ देर बाद एक जणे नूं गिरफ़्तार कर लिया, सुखजीत सिंह 24 साल का जो कि ब्रैम्पटन का ही रहन वाला है, जिस बारे पुलिस ने भी कहा कि जो सोशल मीडिया के उत्ते वायरल हो रही ने वीडियोज़ इस मामले नाल जुड़ियां हुई उसनों जानते हैं, जिस बारे उन्हां दा कहना कि जिन्हां ने भी वीडियोज़ बनाईया होण कोई चश्मदीद होवे वो सामने जरूर आवे, ते नाल ही जेकर किसी को कोई डैश कैम फुटेज होवे तां अपील पुलिस दे नाल जानकारी जरूर सांझी कीती जावे, जिस बारे पुलिस ने यह जानकारी दिती है ते सहयोग दी मांग कीती है जांच वास्ते। अगे जानकारी जो कैनेडा विच आउण वाले प्रवासियों दे लई इमीग्रेशन विभाग कई तब्दीलियां लिया रहा है। इंटरनेशनल विद्यार्थियों के प्रोग्राम के विच बदलाव किए जा रहे हैं, जिसनों होर वधिया बनाउण दा इमीग्रेशन मंत्री ने दावा किया है। स्टडी परमिट तेजी नाल दिते जा सकण इस वास्ते भी होर काम होवेगा। दुनिया भर तो मनुखता के आधार के उत्ते कैनेडा विच लोगों नूं दित्ती जांदी पनाह के बारे भी होर काम होवेगा। फ्रेंच बोलण वालियां दे लई भी नवा प्रोग्राम लिया जाएगा, जिस दे नाल फ्रेंच भाषा बोलण वालियां दे लई कैनेडा विच पक्के होना सुखाला होवेगा। इमीग्रेशन विभाग ने जो 2025 तक हर साल 5 लाख प्रवासियों नूं पक्के करन दा टीचा धारिया होया है, उस दे विच ये कोशिश की जाएगी कि खास खित्तियां विच माहर प्रवासियों नूं कैनेडा लिया जाए, ताकि जिन्हां खित्तियां विच कामियां दी कमी पाई जा रही है ते कैनेडा नूं भविख विच इसका फायदा हो सकता है, उन्हां ही माहरां नूं कैनेडा दे विच छेती दे नाल सैटल होण दा मौका मिलेगा, जिस विच हाउसिंग, हैल्थकेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग ते टैक वर्कर ते होर आउंदे ने। नवे आउण वालियां दे लई होर सहूलतां दे उत्ते काम होवेगा। चीफ इंटरनेशनल टैलेंट ऑफिसर दी पोजीशन लियांदी जा रही है, जो कि इमीग्रेशन प्रोग्राम्स ते पाथवेज़ दे उत्ते लेबर मार्केट दे विच नेड़ेओ लोड़ मुताबक काम कीता जाएगा। इस दे नाल ही इमीग्रेशन विभाग की वैबसाइट नूं भी होर सुखाला बनाया जाएगा, जिस दे नाल अर्जी धारक होर ज़्यादा जानकारी इमीग्रेशन के बारे वैबसाइट के उत्ते ही लै सकन। इसका ऐलान अज कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने किए ने, जिस के उत्ते काम कदों तक पूरा होगा इस दे बारे तो अजे कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता, पर यह जरूर है कि आने वाले समय में कैनेडा स्किल्ड वर्करस के लिए वधिया मौके लिया रहा है। तो कैनेडा होर देशों के लोग वड्डी गिणती में आ तो रहे हैं, पर हुण काफ़ी गिणती में प्रवासी कैनेडा नूं छड्ड के वापस भी परत रहे हैं जां कोई होर देशों के जा रहे हैं। कनेडियन सिटीजनशिप ते कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कैनेडा दे वल्लों अंकड़े जारी किए गए, जिस दे विच दस्या गया कि साल 2017 तो 19 तक होर वधिया मौकियां दी भाल विच प्रवासी कैनेडा नूं छड्ड के गए ने। इस रिपोर्ट दे नाल ही कैनेडा दे उच्च अधिकारियों नूं सलाह दित्ती जा रही है कि सिर्फ वड्डी गिणती प्रवासियों का कैनेडा विच स्वागत करना ही काफ़ी नहीं है, सगों उन्हां नूं इत्थे रोक के रखना भी जरूरी है, क्यों जो प्रवासियों का स्वागत किए जाण दी गिणती नूं पूरा बेशक कर लिया जाएगा, पर जो कैनेडा नूं मुड़ तो छड़ के चले जाएंगे उन्हां करके फिर तो इस गिणती ते भविख मुताबक बनाई गई रणनीति है जो कैनेडा दी, उसके उत्ते गंभीर असर पै सकता है। हुण इस दे नाल ही हुण अगली खबर दे वल रुख करांगे। अगे खबर है सरी तो, जिथे कि पटाकियां दा वड्डा जखीरा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब $1,00,000 के नेड़े है। जांच अधिकारियों ने दस्या कि रीटेल स्टोर सी इक जिस तों इह खेप बरामद की गई है। मेयर ब्रेंडा लॉक ने इस बाबत कहा कि रेड काफ़ी वड्डी सी, 4 पिकअप ट्रक ते एक वैन दी लोड़ पई इन्हां पटाकियां नूं लोड करन दे लई। अगे उन्होंने कहा कि इस रेड दे नाल बहुत सारे लोग आउंदे दिनां दे विच घटनावां तों बच सकणगे ते शोर शराबे दीआं शिकायतां भी जरूर घट हो जाणगीआं। अफसरां दे वल्लों इस मौके व्यापार मालकां ते उन्हां दे 2 मुलाजमां नूं टिकटां भी जारी कीतीआं गईआं ने। फायर डिपार्टमेंट दे परमिट तों बिना सरी दे विच किसी नूं भी पटाके वेचण दी इजाजत नहीं है। जेकर कोई भी इस दी उलंघना करदा काबू कीता जांदा है तां उस नूं $5,000 तक जुर्माना हो सकदा है, ते नाल ही
उन्हां दे व्यापार दा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस दे नाल ही अधिकारियों ने आम लोगों को पुछया भी है कि जेकर तुहाडे आसे पासे किते भी कोई नजायज़ पटाकियां दी विक्री हो रही होवे तां 604-591-4370 दे उत्ते फोन करके तुरंत जानकारी सांझी की जा सकती है। अगली खबर है कि सैलमन आर्म दी ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट दे विच सोमवार तो 21 दिना मर्डर ट्रायल की शुरुआत होनी सी, पर इस तो पहला ही आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया, जिसने सारे दोष कबूल लए ने, जिसनों के शस्वैप इलाके दे रहन वाले 40 साल दे आरोपी दे उत्ते साल 2016 विच अपनी ही प्रेमिका दे कतल दे इल्जाम लगे सन, जिसका नाम एशली सिंपसन सी। आरोपी फेवल दे उत्ते सैकेंड डिग्री मर्डर का केस दर्ज किया गया। BC दी प्रोसीक्यूशन सर्विस दे वल्लों इसे हफ्ते सज़ा भी दित्ती जाएगी, जिसके बारे ही ऐलान किया गया। अगे ओंटेरियो वासियों के वास्ते राहत वाली खबर है। ओंटेरियो सरकार ने गैस ते फ्यूल दे उत्ते लगन वाले टैक्स नूं 30 जून 2024 तक ना वधाउण दा वड्डा ऐलान किया है। इस तों पहलां ही ऐलान 1 जुलाई 2022 नूं किया गया सी, ते हुण फिर प्रीमियर डग फोर्ड दी सरकार ने दूजी वार टैक्स कीमतां दे विच वाधा ना करन दा ऐलान कर दिता है। जेकर सदन दे विच इह मता पास हो जांदा है तां 5 सेंट दे नेड़े प्रति लीटर तेल दी कीमत विच आराम मिलेगा, यह दावा किया जा रहा है। फोर्ड सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोग इस वेले मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, ग्रोसरी ते तेल दियां वधियां कीमतां दे नाल जूझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ी मदद की लोड़ है। इस मौके ओंटेरियो सरकार ने कहा कि उन्होंने हिसाब लाया कि इस कटौती दे नाल $260 प्रति साल लोगों के वलों बचाए गए ने, जो जदों पहली बार स्कीम लागू की गई सी। डीजल भी इस टैक्स कटौती के अधीन आएगा। जेकर टैक्स के उत्ते कट नहीं लाया जाता तो डीजल ते गैस की कीमत 14 सेंट तक दर्ज की गई है। अखीर दे उत्ते फोर्ड सरकार ने यह भी कहा कि जेकर फैडरल सरकार भी कार्बन टैक्स हटा देंदी है तो 14 सेंट होर बच सकते हैं, जिसकी बचत आम लोगों की हो सकती है। तो उधर अमेरिका के राजदूत का राजधानी ओटवा दे विच एक समागम मौके वड्डा बयान सामने आया। आउंदे दिनां दे विच डिजिटल टैक्स करके दोवें मुल्क कैनेडा ते अमेरिका मूँह सामने हो सकते हैं। अमेरिका दे राजदूत डेविड कोहेन ने, जो पिछले 2 साल तो तैनात ने ते काफ़ी ज़्यादा वधिया सुभा दे मन्ने जांदे ने, जो साफ ते स्पष्ट सीधी गल करन वाले मन्ने जांदे ने, ते हुण चेतावनी जारी करदे उन्होंने कहा कि डिजिटल टैक्स दे उत्ते पक्षपात नहीं चलिया जाएगा। अगे कोहेन ने बोलदिया कहा कि इस मामले का हल तो कढ़ना ही पैना है, तो समझौते दे नाल नहीं तो वड्डी लड़ाई होने की संभावना इस करके पैदा हो सकती है। कैनेडा वालों विदेशी कंपनियां दे उत्ते 3% भारा टैक्स लाया जाता है, तो बहुतियां विदेशी कंपनियां अमेरिका दियां ही ने। इस तों पहलां यह मसला लंघे समय विच G20 दे विच होईयां बैठकां दे विच भी चुकिया गया सी। अफसरां दे पद्धर दे उत्ते चंगी गल्लबात जरूर हुई है, ते अमेरिका समझदा कैनेडा दी आर्थिक स्थिति नूं, पर हल एक दूजे दी मन के ही कढ़िया जा सकदा है, जिहा कोहेन दे वल्लों दावा कीता गया। इस दे नाल ही आउंदे शुक्रवार नूं कैनेडा दे प्रधानमंत्री जिवें कि अमेरिका दे दौरे दे उत्ते जा रहे ने, एक सम्मेलन दे विच हिस्सा लैण दे वास्ते, जिथे मन्निया जा रहा है कि इस मसले दा हल कढ़िया जा सकदा है, जिस दी उम्मीद दा प्रगटावा कीता गया है। अगली खबर है कि एक ठगी मारन का मामला सामने आया, जिसनों लैके सावधानी वरतन वास्ते आम लोगों भी चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि यह नवे किस्म का मामला सामने आया, जिस एक व्यापारी के नाल वड्डी ठगी हो गई। दरअसल ओंटेरियो का रहने वाला एक शख्स जॉर्डन एंडर, जो कि अपना छोटा जहा एक व्यापार करता मेपल सिरप का, वह ठगिया गया है, जां कह लो कि लुटिया गया है, जिसके वालों कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी को $10,800 का टैक्स दे वास्ते चैक भेजा गया सी मेल के जरिए, पर उसका वो चैक चोरी हो गया। पर बाद दे विच एंडर नूं अहसास होया कि दरअसल उसका जो चैक भेजा गया सी कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी तक वो पैसे पहुँचे ही नहीं, सगों किसी ने अपने खाते दे विचों पैसे पवाउण तो बाद तुरंत अपना खाता बंद कर दिता, जिसका अहसास एंडर नूं काफ़ी दिन बाद होया। दरअसल 45 दिन के समय तक होंदा है कि तुसी बैंक नूं शिकायत कर सकते हो तो पैसे वापस आ सकते ने, पर 54वें दिन बैंक पहुंचा शिकायत लैके, जिस तों बाद बैंक तो भी अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिते, जिस तों बाद उस चैक की रकम है जो वह उसनू वापस हूँ नहीं मिलेगी, जिसके बारे उसके वलों लोगों भी चेतावनी दी जा रही है, जागरूक होने के लिए कहा जा रहा है, तो नाल ही अफसोस का प्रगटावा भी किया गया कि वह एक छोटा जा व्यापार करता है तो उसनू इन्ना वड्डा घाटा पै गया। चैक वॉशिंग स्कैम का नाम इसनू दिता जाता है, जिसके बारे आम लोगों होर चेतावनी भी दी जा रही है। इस दे नाल ही जिवें कि इस व्यापारी नूं घाटा पिया है, तो उधर टैक्स दे विच देरी होण करके CRA नूं भी उसनूं $1,500 का जुर्माना देना पवेगा। अजिही ठगी जेकर किसी दे नाल हो जाती है तो कनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर दे नाल संपर्क किया जा सकता है, पर इस मौके लोगों नूं सावधान रहण दे वास्ते कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं, जो हज़ारां लोगों नूं आए दिन
ठगी दे शिकार बनाया जाता है, जिस दे विच कईयां दी उम्र भर की कमाई भी चली जाती है। इस तरह की खबरों के असिस बुलेटिन के विच इन्ना ही। मैनूं प्रनीत करन दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।